हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है क्लास सेकंड का चैप्टर 7 है। उसके रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो है आपका उसके रिवीजन एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी रिवीजन एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है इज सिंपली मल्टीप्लाई। तो आपको गिवन है 42। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करवाया था, रीग्रुपिंग 10 और रीग्रुपिंग 1 एंड 10 दोनों करवाया था, वंस एंड टेंस एंड वंस दोनों तीनों करवाया था। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं आपके वो देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 को 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 को 4 से करेंगे, 3 4 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये था आपका रीग्रुपिंग टेंस, जिसमें टेंस के डिजिट में आपका क्या आया, रीग्रुपिंग। तो इसको अगर हम रीड करेंगे तो क्या करेंगे, 100 2 10s + 3 1s 6 1s। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह सेकंड देखिए, 2 को 8 से करेंगे, 2 8 जा 16, 6 आ गया 16। हम ऐसे लिखते हैं 6 का 1s 1s की जगह पे और 1 10 में कैरी दे देंगे। अब 2 को 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 5 10s + 6 1s सिंपली। नेक्स्ट देखिए, 5 को 7 में करेंगे, 5 7 जा 35 का 5 3 कहां गया 1s में 10s में कैरी, 5 का टेबल 1 टाइम 5 1 जा 5 और 3 ऐड करेंगे 8, ये हो गया 8 10s 5 1s। इसी तरह नीचे देखिए, 3 को 7 टाइम, 3 7 जा 21, 2 टाइम्स में गया, 3 4 जा 12 और 2 14, ये हो गया आपका 100 4 10s + 1 1s। और इसको ऐसे करेंगे तो 141, अगर इसे हमें राइट करना हो उसमें नंबर्स गेम में 141। अब इसमें 5 को 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, 2 कैरी किए, 5 5 जा 25, 4 में 2 ऐड करेंगे 27, ये हो गया आपका 200 7 10s + 0 1s। ठीक है स्टूडेंट, अगर उसको नंबर नेम में चेंज करेंगे तो 270। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 को 6 टाइम, 4 6 जा 24, 2 कैरी के, 4 को 9 टाइम, 4 9 जा 36 में 2 ऐड करेंगे 38, इसको अगर करेंगे तो क्या करेंगे, 300 8 10s + 4 1s। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर देंगे। बी है आपका, बी करके ये सेकेंड मान लीजिए, पिक राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट देखिए, 4 × 5 इज सेम एज
into 5 is same as option है आपको 4 into 4 5 into 4 या 5 into 5 5 into 4 करिए या 4 को 5 करिए एक बात है तो कौन सा ये इसकी तरह 4 4 जा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देंगे इसका आंसर आएगा 20 इसका आएगा 16 इसका आएगा 20 और इसका आएगा 25 तो जो सेम एज होगा वही आंसर होगा इसका ठीक है सेकंड देखिए 10 into 1 is equal to 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ए है आपका 10 बी है 1 एंड सी इज 0 10 1 जा 10 आंसर कहां है आपका फर्स्ट में ए आंसर आपका सही है थर्ड देखिए इफ 2 into 3 is equal to 6 यदि 2 into 2 multiply 3 करेंगे 6 आता है then 20 equal to 3 is equal to 1 0 है तो 1 0 बढ़ जाएगी first is 6 6 आएगा 9 b 16 2 into 3 किया था हमारा 6 आया था 1 0 बढ़ जाती है तो 1 0 बढ़ गई तो हमारा 60 आंसर सही हो जाएगा और सी में आपको 600 ही बना है ठीक है फोर देखिए 0 अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है a is 0 b is 1 and c is the number itself बताइए अगर हम मान लीजिए एक डिजिट है 10 है अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा ना ही 1 आएगा 1 कब आता है जब भी हम किसी डिजिट को कब आएगा 1 जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा हमारा तो यहां पर हमारा 0 आंसर सही हो जाएगा नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज 0 होता है परफेक्ट देखिए 8 into 10 is equal to ऑप्शन देखिए First is 80, second 90, and third is 100. 8 को 10 से multiply करेंगे, तो कितना होगा? मैंने आपको 10, 20, 30, 40 से multiply करना सिखाया था. 8 को 1 से कीजिए, 8 आएगा और 1 0 है तो 1 आएगा. तो आपका आंसर हो जाएगा 80. So students. इस रिवीजन एक्सरसाइज में इतना ही है उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत इजी है तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके